नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीओडी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू कर देंगे कि अब रिजल्ट तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या कदम है, अगला क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूँ कि इस चैनल पर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो दिया जाता है, और इतना ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके काउंसलिंग में हेल्प भी की जाती है। काउंसलिंग आपके प्रिपरेशन के जितना ही इम्पोर्टेंट है। आपने जितनी भी तैयारी करी, आपका इतना अच्छा मार्क्स आ गया, अगर काउंसलिंग में कमी कर जाते हो तो आपके इतने अच्छे मार्क्स के बाद भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। इट मीन्स वर्ड, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, और इस अपडेट और आपके इस जागरूक रहने के श्रृंखला में सीयूटी पाठशाला सब्सक्राइब होना चाहिए, बेल आइकन प्रेस रहना चाहिए, जिससे कोई भी जब वीडियोस आता है तो आपको एज सुन एज अपडेट मिल जाए, और आप उस वीडियो को देखो और जो बताया जा रहा है आप उसको एज इट इज करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है सीयूटी रिजल्ट के बाद, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिजल्ट आपका आ गया, आप अपना मार्क्स जान गए। अब भाई, मार्क्स जानने के बाद मेरे ही कटा वीडियोस से अंदाजा लगा लिए होंगे कि आपका एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ध्यान देना, कोई यूट्यूब पे कितना भी कटा की वीडियोस बना देता है, जो भी एंड कटा बताया जा रहा है उनसे अगर आप 20-30 नंबर पीछे हो तो भी आप एडमिशन की पॉसिबिलिटीज उम्मीद रखना। ये नहीं कि आप उम्मीद ही खो दो, ध्यान देना, वो सब एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है, अनऑफिशियल कट ऑफ है, तो बहुत भरोसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं जो पूरी कट ऑफ की सीरीज ला रहा हूँ उनको जरूर देखें, और उससे ज्यादा मेरे लाइव सेशन जब होते हैं शाम में तो उसमें आप ज्वाइन हो, जिससे कि मैं आपको पूरा समझा सकूं कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज किन किन यूनिवर्सिटीज में। ऐसे अनुभव काउंसलिंग के एज अ काउंसलर, एज अ गाइडर, एज अ मेंटर बहुत कम यूट्यूब पे लोगों के पास है। बकवास करने के लिए यूट्यूब पे तो कोई भी आके वीडियो बना के चला जाएगा, लेकिन सही मायने में उसके पास अनुभव होना, कई यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ का ज्ञान होना, पता होना बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप आज मुझे नहीं फॉलो करोगे तो कल वापस फिर आके मुझे फॉलो कर ही लोगे, तो क्यों ना अभी काउंसलिंग के इस पूरे कहानी में आप भी किरदार हो जाओ, आप भी फॉलो कर लो, जिससे कि पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना स्मूथली हो जाए, ठीक है। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, या फिर आप यूं समझो कि काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, जैसे आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज में बीएचयू है, मतलब आप बीएचयू का अपना एक तरह से मान के चलते होगे कि बीएचयू मेरा फेवरेट यूनिवर्सिटी है, तो मान लो बीएचयू हो गया, ठीक है। और आप क्या मान के चलते होगे, डीयू मान के चलते होगे, और क्या मान के चलते होगे, जेएनयू मान के चलते होगे, ठीक है। इस तरीके के आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है आप मान के चलते होगे, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगी कि मीन्स भाई आ जाओ हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि यू आर इंटरेस्टेड इन माय यूनिवर्सिटी। तो जो लोग जिस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पूरे रजिस्ट्रेशन किए गए स्टूडेंट के बीच का ही कंपटीशन रह गया, मतलब अभी जो ये 5 लाख की पूरी पॉपुलेशन सीयूटी पीजी में आपको दिख रही है, ये पर्टिकुलर अपने कोर्स में लड़ेंगे, और अपने कोर्स में भी अपनी यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे। जैसे कोई एलएलबी का बच्चा है तो अब वो बीएचयू में जब जाएगा एलएलबी के लिए, बीएचयू में जब एलएलबी के लिए जाएगा तो बस ये कंपटीशन इस बीएचयू एलएलबी में गए रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के साथ कंपटीशन होने वाला है, ना कि सीयूटी में पूरे जो एलएलबी बच्चे हैं उनसे होने वाला है। तो इस तरीके से अब ये कहानी यूनिवर्सिटी पे आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा? तो ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगभग सभी यूनिवर्सिटीज अपने 5-10 दिन के अंतराल पे देते हैं, और आने वाले 15 दिनों में उम्मीद करता हूं कि ये लोग अपने यहाँ पोर्टल अपडेट कर सकते हैं। जहां तक बीएचयू की बात रह गई, ये मैं ऑफिस में कांटेक्ट करके जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये बीएचयू अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब स्टार्ट करने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस में बदलाव हुआ है इस बार, और ये बदलाव का जो वीडियो है मैं आपको शाम तक या कल तक दे दूंगा। ये जानना बेहद जरूरी है कि एक्चुअली बीएचयू में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो लोग मेरिट बनाते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स का मेरिट बनता है, और उसके बाद कट ऑफ रिलीज होता है। उस कट ऑफ में जब आपका नाम आता है, नाम मतलब होता है कि उस नंबर में आप खुद को देख पा रहे हो कि हाँ मैं इसमें आ रहा हूं, तो आप जाके पेमेंट मैंने लिख दिया है, बीच में कई सारा गैप है,
आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके पास कॉलिंग ऑफर आता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोसेस हैं। BHU जैसे आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पोर्टल पे, तब तक आपका एक पोर्टल बन गया होता है, उस पोर्टल पे आपके पास एक कॉलिंग आता है, यानी कि आप इस कोर्स के लिए अब हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए हो और आप डू पेमेंट, आप पेमेंट करो। फाइनली जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपका एडमिशन हो जाता है। ध्यान देना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसमें कई स्टेप ऐसे हैं जो अभी अपडेट होंगे, यानी अब नए तरीके से नए चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मोटी